हेलो टू माय व्यूअर्स, आई एम आकाश रॉय एंड वेलकमिंग वंस अगेन यू इन आकाश टाइम एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने से कि जादवपुर यूनिवर्सिटी पे डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग पे अप्रॉक्सिमेटली कितना काट ऑफ आपका सामने रहना जरूरी है, जिसको लेके अगर आप लोग गए तो आपका होने का एक अच्छा खासा चांसेस है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, पहले चैनल पर जो पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन को ऑन कर, बिकॉज आकाश टाइम एजुकेशन पे ऐसी वेब रिलेटेड सब टाइप्स की वीडियो आपको मिलती रहेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते पहले और एक छोटा अपडेट आप लोगों को कि जो लोग फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड पे कोई अच्छा खासा कॉलेज नहीं मिला, जो लोग अभी तक कॉलेज नहीं पा चुके, जो लोगों का रजिस्ट्रेशन पे गलती हुई थी, बहुत सारे प्रॉब्लम है, जो सारे लोग अभी तक कोई कॉलेज नहीं पा रहे, कॉलेज ढूंढ रहे हो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग विदाउट डोनेशन में एडमिशन ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे सब कॉलेज का डिटेल्स दिया हुआ है, आप जाइए पढ़िए, जो लोग इंटरेस्टेड है फिर कीजिए, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो प्लीज इस पार्ट को स्किप कीजिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, विल स्टार्ट विद द आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर का मैंने जो नोटिफिकेशन है वो निकल के आपके सामने रख दिए हैं। ऊपर देख सकते हैं ऑल द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड WBJEE 2020 विद द GMR 10,000 रैंक। तो जिनका 10,000 के आसपास 10,000 के नीचे रैंक है वो लोग और जिनका 10,000 और उसके नीचे रैंक है और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए हैविंग क्वालिफाइड WBJEE 2020 विद एनी वैलिड GMR और नॉट एडमिटेड टू एनी UG डिग्री प्रोग्राम अंडर द फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जादवपुर में अप्लाई सब्जेक्टेड टू फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड लीड डाउन टू द एडमिशन इन्फॉर्मेशन बुचर। इसका मतलब यह है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो है उनके लिए 10,000 रैंक तक आप लोग इजिली अप्लाई कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फॉर द रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट SC ST OBC आप लोगों के लिए तो और भी अच्छा है कि इनके लिए आपका रैंक जो भी है, व्हाट एवर रैंक यू हैव आप लोग इजिली अप्लाई कर सकते हो जादवपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से, यही चीज बोला गया है। ओके, अच्छा, इसके बाद मैं आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी एडमिटेड जादवपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, मतलब अगर आपको समझ लो जादवपुर यूनिवर्सिटी को एक ब्रांच मिल गया, समझ लो सिविल मिल गया, आप लोग चाहते हो केमिकल पे जाना, तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो, आप लोगों को कोई इशू नहीं है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोगों का एडमिशन हो गया आपका दूसरे ब्रांच में, मतलब केमिकल पे, तो आपका सिविल का जो सीट था वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक है, दैट इज द ऑल द प्रोसेस फुल। आप लोगों को आई थिंक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स जो लोग का 10,000 के अंदर है वही लोग एक मानसिकता बना के चलो कि डिसेंट्रलाइज पे हम लोग अप्लाई कर पाएंगे, बट मैं कट ऑफ को बोल रहा चाहता हूँ कि 6,000 मान 5,000 तक ऑलमोस्ट लास्ट ईयर गया था, बट इस ईयर का वैकेंसी जो है उतना ज्यादा नहीं है। मैं इसके ऊपर वीडियो ला रहा हूँ, आपको बोलूंगा कि कितना वैकेंसी जादवपुर पे है अभी, तो 5,000 के आसपास जिन लोगों का है उनके लिए सेफ है, बट 10,000 तक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग ओबीसी SC ST से और रिजर्व कैटेगरी से हो वो लोग जितना भी रैंक हो वैलिड GMR आप लोग अप्लाई कर सकते थे, बट उन लोगों को भी मैं बोलूंगा कि ओबीसी के लिए आप 10,000, एससी के लिए 15,000 एंड एसटी के लिए वही 20,000 तक ही सेफ है, उसके बाहर अगर हुआ तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट होने का चांसेस बहुत सारा कम है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, छोटा सा अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना था, जहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँ कि जादवपुर यूनिवर्सिटी कितना काट ऑफ गया तो आप लोगों को एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलेगा होने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में डियर स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू ऑल।